अनुदीना अनुक्षण मन कलियो कलिकली जो गूच्चा कौना सत सदी कलियोण नम हम क्लास नली yes, sir. Yes, teacher. <laughs> वालेकुम अज़ीज़ तलबा मैं मशलिन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल चुड़गुप्पा ज़िला बीदर सांवेदा कलिका प्रोग्राम की ऑनलाइन क्लास में तमाम तलबा व का इस्तकबाल करती हूँ खुश आमदीद और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम इस क्लास से मुस्तफीद होंगे प्यारे बच्चों क्लास शुरू करने से पहले चंद सवाल पूछूंगी जिसके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल आपकी टी वी स्क्रीन पर यह रहा खुदा की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को क्या कहते हैं बिल्कुल सही जवाब दिया आपने हमद इसी तरह से दूसरा सवाल है आपकी टी वी पर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म क्या कहलाती है बहुत जल्दी जवाब दिया आपने और वो भी बिल्कुल सही जवाब दिया नात इसी तरह से तीसरा और आखिरी सवाल देखिए चार मिसरों वाली नज्म को क्या कहा जाता है बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ये भी चार मिसरों वाली नज्म को रुबाई कहा जाता है तो प्यारे बच्चों आज हम दहम जमात की दरसी किताब में शामिल रुबायात का मुताला करेंगे यहाँ पर किताब में आपको चार शहरा की रुबायात हैं चार शहरा के अलग अलग रुबायात को हम करेंगे देखो किताब का नाम है आपकी नौबहार अदब सबक नंबर उन्नीस है और सबक का नाम है रुबायात चलो बच्चों आज हम जिन अहम नुकात का मताल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं रुबाई की तारीफ़ पढ़ाऊँगी मैं आपको सबसे पहले उसके बाद जिन शोरा की हम रुबाई पढ़ने वाले हैं उनका तारुफ पढ़ाया जाएगा रुबायात खानी मातरन्नुम सुनाई जाएगी रुबायात का मतलब भी समझाया जाएगा सवालत के जवाब हल कराए जाएंगे किताबी मशक़ी हल करवाई जाएगी और मैं आपको घर पर काम भी दूंगी तो देखो रुबाई की तारीफ लफ्ज़ रुबाई रुबा से मुश्तक है जिसके माना चार के हैं यानि रुबाई लफ्ज़ अरबी जुबान के लफ्ज़ रुबा से लिया गया है और रुबा के माना चार के हैं रुबाई को दो बैती भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दो बैत यानि दो शेर होते हैं शेर का और एक माना है बैत यानी दो शेर वाली नज्म को रुबाई कहा जाता है दो बैत वाली नज्म को रुबाई कहा जाता है अलाह है शायरी में यानी शायरी की इस्तेलाह में रुबाई से मुराद ऐसी नजम है जो चार मिसरों पर मुश्तमल होती है रुबाई का पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ़ होते हैं जबकि तीसरा मिसरा रदीफ़ व खाफिया का पाबंद नहीं होता तो रुबाई के क्या है पहले दूसरे और चौथे मिसरे में रदीफ़ो खाफिया होना लाजमी है चौथे मिसरे तीसरे मिसरे में रदीफ़ो खाफिया नहीं होता इसमें आरिफाना यानि खुदा शनासी की बातें आरिफाना यानि खुदा शनासी की बातें और फुलसुफाना यानि हमत की बातें अखलमंदी की बातें समाजी अखलाकी और इस्लाही और मजहबी मजामीन हम बयान कर सकते हैं यानी समाज से जुड़ी हुई बातें अखलाक से जुड़ी हुई बातें असलाह यानी सुधारने की ग़र्ज़ से भी इसमें मौजूद लिखे जाते हैं और मज़हबी मज़हब की बातों को भी इसमें हम लिख सकते हैं तो हम रुबाई की तारीफ़ पढ़े कि रुबाई का पहला दूसरा और चौथा मिसरा रदीफ़ और ख़ाफ़िए पाबंद होता है तो ये रदीफ़ और ख़ाफ़िए हैं जानते हैं हम वजन अल्फाज जिनका आखिरी हरूफ एक ही हो खाफिए कहलाते हैं जैसे देखो वतन चमन बदन ये हम वज़न हैं तीनों में तीन तीन हरूफ शामिल हैं इज़्ज़त जिल्लत मिल्लत ये भी हम वज़न है और इनका आखिरी हरूफ भी ते है हमीदा जुबैदा फरीदा इसमें भी पाँच पाँच हरूफ हैं और इनका आखिरी हरूफ है इसी तरह रुबाई की और इन्हें खाफिए की और एक तारीफ भी है ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ में एकसानियत हो खाफिए कहलाते हैं जैसे देखो दफा वफा दफा रफा जफा यानी आवाज़ में एकसानियत है लेकिन इनका आखिरी रूफ एक नहीं है किसी का अलीफ है किसी का आन है लेकिन आवाज़ में एकसानियत होने की वजह से भी हम उनको खाफिए कह सकते हैं यहाँ पर बहारा ग्रेबा रगेजा जाना यह हम वज़न नहीं है फिर भी इनका आखिरी रूफ एक है आवाज़ में एकसानियत है इसीलिए हम इनको तो कह सकते हैं इसी तरह से रदीफ की तारीफ देखिए बच्चों नज्म में खाफिए के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ कहा जाता है ये नज़म में ये अल्फाज सारी नज्म में बार बार दोहराए जाते हैं यानी रदीफ कोई एक लफ्ज नहीं या एक हरफ नहीं होता बल्कि खाफिए के बाद जितने भी अल्फाज आएंगे हम उसको रदीफ़ कह सकते हैं जैसे देखो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू हिंदू सित हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा ये जो शेर है मस्कुरा वाला शेर में हिंदुस्तान और गुलस्तः खाफिए हैं हम आवाज़ हैं और आखिरी रफ इनका नूने गुन्ना है खाफिए हैं और ख़ाफिए के बाद जो लफ्ज़ है हमारा हमारा रदीफ़ है रदीफ़ एक हर्फ भी हो सकता है या एक से जायद भी हो सकते हैं इसी तरह चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं यानी चंद रुबायात हैं आप मिसाल के तौर पर पेश हैं तू कान का कच्चा है तो बहरा हो जा बद भी है अगर आँख तो अंधा हो जा गाली गीबद दरो गोई क्यों बोलता है अमजद गूंगा हो जा ये अमजद हैदराबादी की रुबाई है तो पहला दूसरा और चौथे मिसरे पर गौर कीजिए बहरा अंधा गूंगा ये खाफी है हो जा हो जा हो जा रदीफ है और इसमें अखलाक़ी मौजू शामिल है दूसरी रुबाई देखिए इसी तरह दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी जो जाके ना आए वो बुढ़ापा देखा जो जाके ना आए वो बुढ़ापा देखा जो आके ना जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके ना आए वो जवानी देखी मीरिस की रुबाई है ये फ़ानी जानी जवानी काफ़ी है देखी 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 इसमें रदीफ है ये भी एक नसीहत है दो नसा किस इसमें बातें बयान की गई हैं हकीमाना मौजू इस रुबाही में मौजूद है इसी तरह देखिए बच्चों अगली गुंजा तेरी ज़िंदगी पे दिल हिलता है गुंजा तेरी ज़िंदगी पे दिल हलता है बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है गुंजे ने कहा इस चमन में बाबा एक तबस्सुम भी किसे मिलता है जोशमली आबादी की रुबाई है हलता हा, खिलता और मिलता खाफिया है है है, है रदीफ़ है तीसरे शेर में रदीफ खाफी की पाबंदी नहीं है ये भी क्या है मालूम एक हमत है ही बात है इसमें अब खुशी है ना कोई दर्द रुलाने वाला हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया कोई जल्दी कोई देर से जाने वाला निदा फाजली का ये शेर है इसे में भी रुलाने जमाने जाने फिया हैं वाला वाला क्या है रदीफ है और तीसरे शेयर में रदीफ खाफिया की पाबंदी नहीं है तो देखिए बच्चों सरगर्मी यानी हमने रुबाई की तारीफ पढ़ी अभी तो उसी से मुतक चंद सवाल हैं उसके जवाब आपको देना है पहला सवाल है रुबाई किस लफ्ज़ से मुश्त है बिल्कुल सही रुबाई लफ्ज़ रुबा से मुश्तक है दूसरा सवाल है देखो बच्चों रुबाई को दो बैती क्यों कहा जाता है हाँ बहुत अच्छी तरह जवाब दे रहे हैं आप लोग रुबाई को दो बैती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो शेर होते हैं अगला सवाल है रुबाई के कौन से मिसरे खाफी और रदीफ के पाबंद होते हैं ये भी सही जवाब दिया आप लोगों ने रुबाई का पहला दूसरा और चौथा मिसरा खाफी और रदीफ का पाबंद होता है तो इसी तरह हम अगले सवाल की जानी बढ़ते हैं बच्चों रुबाई का कौन सा मिसरा हासिल कलाम होता है यानी कौन से मिसरे को पढ़ने तक हमें रुबाई समझ नहीं आती तो देखिए रुबाई का चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है अगला सवाल है पाँचवा बच्चों रुबाई में कौन कौन से मजामी बयान किए जा सकते हैं यानी कौन कौन सी बातें कौन कौन से मजवात को इसमें लिखा जा सकता है रुबाई में आरिफाना, फुल सुफियाना, समाजी अखलाकी मजहबी मजामी बयान किए जा सकते हैं चलिए बच्चों ख़ाफिए खाफिया की तारीफ माम साल पेश की अभी हमने खाफिया की तारीफ पढ़ा उसको मामसाल हमको पेश करना है हम वजन अल्फ़ाज़ जिनका आखिरी हर्फ एक ही हो खाफिए कहलाते हैं जैसे दुआ वफा दवा सवाब हिसाब शबाब रदीफ किसे कहते हैं नज्म में खाफिए के बाद आने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहा जाता है ये अल्फाज सारी नज़्म में बार बार दोहराए जाते हैं तो बच्चों हम रबायात हम आपको पढ़ना है तो आपकी किताब में पहली रुबाई है है दौर कभी दिन का कभी या शब है ये इन्हीं की लिखी हुई है आप पहचान पैछा, पहचानिए कौन है इनकी तस्वीर है वेरी गुड बिल्कुल आपने सही पहचाना ये उर्दू के शायर शाद अजीम आबादी हैं इनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद है खलमी नाम शाद अजीम आबादी और इनका तख्लस है शाद पैदाइश अठारह सौ ईस्वी को पटना में पैदा हुए कम उम्र ही से उनकी शायरी की इब्तदा हुई मगर उन्हें बहुत जल्द मकबूलियत नसीब हुई उन्होंने शायरी की तमाम अशनाफ में तबाजमाई की जैसे शायरी की असनाफ़ हम नाद गज़ल रुबाई ख़ा मरसिया तमाम असनाफ में आपने अपना कलम उठाया उनकी मसनवी चश्मा कौसर कई सौ आशार बार मुश्तम एक तवील यानि बहुत बड़ी मसनवी है चश्मा कौसर उनकी मशहूर मसनवी है और कई सौ आशार बार मुश्तमिल है उन्नीस सौ सत्ताइस ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ तो उनकी रुबाई है बच्चों यहाँ पर शाद अजीम आबादी की लिखी हुई है दौर कभी दिन का कभी यहाँ शब है गर्दिश का जमाने की यही मतलब है हम तुम ना रहेंगे वरना दुनिया सारी यूं ही रहेगी जैसी अब है बच्चा इस रुबाई को मैं अब तरन्नम से पढ़ती हूँ आप सभी समात फरमाएं। है दौर कभी दिन का कभी शब है है दौर कभी दिन का कभी शब है गर्दिश का जमाने की यही मतलब है है दौर कभी दिन का कभी आशब है गर्दिश का जमाने की यही मतलब है हम हाँ तुम न रहेंगे वरना दुनिया सारी हम तुम न रहेंगे वरना दुनिया सारी ता रहेगी जैसी अब है तो देखो बच्चों इस रुबाई में इस्तेमाल अहम अल्फाज के माने दौर जमाना शब रात गर्दिश चक्कर ताहश्र खयामत तक तो बच्चों इस शेर में शाद अजीम आबादी दुनिया की सच्ची और कड़वी हकीक़त बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया में कभी दिन होता है तो कभी रात कभी दिन कभी रात इसी तरह वक्त गुज़रते जाता है सुबह शाम होते होते एक हफ़्ता एक हफ़्ते से फिर एक महीना एक महीने से फिर इसी तरह गुजरते गुजरते साल साल से फिर सदियां गुजरती जा रही हैं तो इसी तरह ज़माना क्या है चक्कर लगा रहा है गर्दिश कर रहा है सुबह हो रही शाम हो रही और दुनिया जैसी अल्लाह ताला बनाया था वैसी अब भी है और हमारे बाद भी यानी हमारी मौत के बाद भी ये दुनिया ऐसी ही चलने वाली है हमसे पहले भी कई इंसान इस दुनिया में आए और चले गए हम भी इस दुनिया में आए हैं और चले जाएंगे। लेकिन ये दुनिया का निज़ाम बदलने वाला नहीं है ये दुनिया जैसे कि वैसी ही रहने वाली है किसी के होने या ना होने से इसके काम में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है इंसान की हयात मुख्तर है इंसान इस दुनिया में आते रहते हैं और चले जाते रहते हैं लेकिन ये दुनिया ख़यामत तक ऐसी ही चलती रहेगी जैसी हम इसको देख रहे हैं इस रुबाई के इसी ख्याल को मिर्जा गालिब ने अपने एक शेर में कहा है कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं रो ये जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों शायर हक मजाज की गजल आपने दरसी किताब में पढ़ी है उनका भी एक शेर इसी रुबाई की तर्जुमानी करता है अब इसके बाद सुबह है सुबह नौ मजाज अब इसके बाद सुबह है सुबह नौ मजाज हम पर ख़त्म है शाम गरीब लखनऊ तो बच्चों इंसान के चले जाने के बाद भी ये दुनिया ख़यामत तक यूँ ही बरकरार रहने वाली है तो इसी ख़याल को शायर ने इस रुबाई में पेश किया है तो इसका मतलब हम इम्तिहान में इस तरह से लिख सकते हैं देखिए इस रुबाई में शायद अजीम आबादी ख़ारी को एक तल्ख मगर सच्ची हकीकत से आगा करते हुए कहते हैं कि इंसान की हयात मुख्तर है, सुबह व शाम होते रहेंगे और वक्त गुज़र जाएगा उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी इंसान की हयात ख़त्म हो जाएगी मगर दुनिया तक यू ही रहेगी जैसी अब है किसी के होने या ना होने से दुनिया के निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं आएगा चलिए बच्चों हमने शाह अजीम आबादी का तारुफ मत, से मुतारुफ हुए उनकी रुबाई का मतलब भी पढ़ा तो आप हम मैं चंद सवाल पूछती हूँ आपको आपको जवाब देने हैं एक जुमले में जवाब देना है आपको जमाने की गर्दिश का क्या मतलब है बिल्कुल सही कहा आपने जमाने की गर्दिश का मतलब सुबह व शाम का होना और गुजर जाना है इसी तरह से दूसरा सवाल सारी दुनिया खयामत तक कैसी रहेगी हाँ बिल्कुल दुरुस्त जवाब सारी दुनिया खयामत तक यूं ही रहेगी जैसी अब है आज देखो बच्चों तीसरा सवाल है यहाँ पर शाद अजीम आबादी की मसनवी का नाम बताइए वेरी गुड मुझे बहुत खुशी है आप तमाम सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं शाह अजीम आबादी की मसनवी का नाम चश्मे कौसर है तो देखो बच्चों इसी तरह से हम दो या तीन जुमलों में जवाब लिखेंगे सवाल नंबर एक है शाद अजीम आबादी ने रुबाई में कौन सी हकीकत बयान की है देखिए बच्चों जवाब किस तरह लिखना है हम आपको शायद अजीम आबादी ने अपनी रुबाई में ये हकीकत बयान की है कि दुनिया के सुबह व शाम इसी तरह आते जाते रहेंगे इंसान की हयात मुख्तर है तो वह इस दुनिया से चला जाएगा लेकिन दुनिया का निज़ाम यू ही चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है किसी के होने या ना होने से इसके निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आएगी और एक सवाल नेक्स्ट बच्चों और एक रुबाई हम आपको पढ़ना है वो है तिलोक चंद महरूम की यहाँ पर आप स्क्रीन पर तिलोक चंद महरूम की तस्वीर देख रहे हैं ये उर्दू के मशहूर वारू शायर हैं इनका असल नाम तिलोक चंद है यानी उर्दू दुनिया में तिलोक चंद महरूम के नाम से मशहूर हैं उनका तख्लु महरूम है उनकी पैदाइश अठारह ई ईस्वी को पंजाब में हुई उन्होंने उर्दू फ़ारसी के उस्ताद के तौर पर खिदमत अंजाम दी वो एक उस्ताद थे और उर्दू और फारसी बच्चों को पढ़ाया करते थे उनके कलाम में अखलाकी और नेचुरल यानी कुदरती शायरी मज़ामीन का काफ़ी ज़खीरा है यानी उनकी शायरी अखलाकी और नेचुरल बातों पर मुश्तमिल है बर्ज़स्तगी और रवानी उनके कलाम की खूबियाँ हैं बेतकल्फ़ी है इनके कलाम में बरजस्तगी है कोई बनावट नहीं है जो है जैसा है उसी को वो लिखते हैं और रवानी उनके कलाम में है उनके शेरी मजमू हैं देखिए बच्चों गंजे माना या गंजे मानी और रबायात महरूम कारवाने वतन और बहारे तिफली ये चार उनके कलाम के मजमु हैं उनकी वफात 6 जनवरी 1966 सौ ईस्वी को दहली में हुई तो बच्चों देखो यहाँ पर रुबाई नंबर दो तिलोकचंद चंद महरूम की है मजहब की जुबान पर है निकोई का प्याम हुसन अमल और रास्त गोई का प्याम मजहब के नाम पर यह लड़ाई कैसी मजहब देता है सला जोई का प्याम अच्छा बच्चों इस रुबाई को अब मैं तरन्नुम से पढ़ती हूँ समाज फरमाइए मजहब की जुबां पर है नी कोई का पयाम हुसन अमल और रास्त गोई का पयाम मजहब की जुबां पर है नी कोई का पयाम हुस्ने अमल और रास्त गोई का पयाम मजहब के नाम पर ये लड़ाई कैसी मजहब के नाम पर ये लड़ाई कैसी मजहब देता है सुलझोई कपया मजहब की जुबान पर है नी कोई कपया हुने अमल और रास्त गोई का पया मजहब के नाम पर ये लड़ाई कैसी मजहब देता है सुलह जोई का पया तो बच्चों इस ग़ज़ल में इस्तेमाल अहम के माने देखिए निकोई नेकी हुस्ने अमल नेक काम अच्छा अमल रास्त गोई सच बोलना सुलह जोई दोस्ती तो इस शेर में शायर इस रुबाई में शायर तिलोक चंद महरूम इंसानों को भाईचारगी का एकता का कौमी एकजहती का पैगाम देना चाहते हैं वो कहते हैं कि दुनिया के तमाम मजाहब इंसान को नेकी का पैगाम देते हैं अच्छाई की तरफ बुलाते हैं नेक हुसन अमल नेक काम करने की तरफ रागब करते हैं और सच बोलने का पैगाम देते हैं लेकिन मजहब को मानने वाले आपस में एक दूसरे से मजहब को लेकर लड़ाई करते हैं मजहब के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं एक मजहब वाले दूसरे मजहब वालों को नीचा दिखाने के लिए कोई हिंदू है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है कोई मुसलमान है हिंदुओं पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है लेकिन किसी का भी मजहब चाहे वो मजहबे इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या और दीगर मज़ाहब हो दुनिया के इंसान को सिर्फ सुलह जोही का प्याम देते हैं दोस्ती का पैगाम देते हैं मिलजुल कर रहने का पैगाम देते हैं, लड़ाई का नहीं देते सच बोलने का पैगाम देते हैं और उसने अमल का पैगाम देते हैं लेकिन अफसोस कि मजहब को मानने वाले लोग ही मजहब के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं तो इसी को एक शेर में यहाँ पर यह मंदिर भी तुम्हारी है यह मस्जिद भी तुम्हारा यह मंदिर भी तुम्हारी है यह मस्जिद भी तुम्हारी बस इतनी गुजारिश है कि मिसमार न करना तो इम्तहानी नुक़ः नज़र से हम इसका मतलब इम्तहान में इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों इस रुबाई में तिलोक चंद महरूम ख़ारी से ये कहना चाहते हैं कि दुनिया का हर मज़हब नेकी हसन अमल रास्त गोई और सला जोई का पैगाम देता है मगर मजहब पर अमल करने वाले ही आपस में लड़ते झगड़ते हैं मजहब के नाम पर फितने फैलाते हैं जो मजहब की रूह के ख़िलाफ़ है तो बच्चों हमने तिलोक महरूम का तारुफ पढ़ा उनकी रुबायात का मतलब भी हम जान चुके हैं तो इसी से ताल्लुक़ रखते हुए चंद सवाल हैं है। आपको जवाब देने हैं तो एक जुमले में जवाब देना है देखो बच्चों पहला सवाल है मजहब की जुबान पर कौन सा पैगाम होता है सही जवाब फरमाया आपने मजहब की जुबान पर नेकी हुस्ने अमल और रा, रास्त गोई और सुल जोई का पैगाम होता है दूसरा सवाल है तिलोकचंद महरूम के कलाम की खूबियाँ क्या हैं सही है बिल्कुल सही तिलोकचंद मेहरूम महरूम के बरजस्तगी और रवानी बरजस्तगी और रवानी तिलोकचंद मेहरूम महरूम के कलाम की खूबियां हैं इसी तरह से दो या तीन जुमलों में जवाब दीजिए बच्चों सवाल है तिलोकचंद मेहरूम महरूम के शेरी मजमूए कलाम कौन से हैं अभी हमने तारुफ पढ़ते वक्त उनकी चार किताबों के नाम पढ़ा था उन्हीं चार किताबों के नाम आपको लिखना है देखिए बच्चों गंजे मोनी आ रबायात महरूम बहार तिफली और कारवान वतन तिलोकचंद महरूम के शेरी मजमु हैं इसी तरह से अगला सवाल है दो या तीन जुमलों में ही देना है आपको तिलोक चंद महरूम ने अपनी रुबाई में किस बात का पैगाम दिया है जवाब तिलोक चंद महरूम ने अपनी रुबाई में इस बात का पैगाम दिया है कि दुनिया का हर मज़हब ने कीसन अमल रास्त गोई और सुलाजोई का पैगाम देता है लेकिन ताजु इस बात का है कि इस हकीक़त को जानने के बावजूद मजहब के नाम पर इख्तलाफ और झगड़े होते हैं जो मजहब की रूह के ख़िलाफ़ है और हमें इससे बचना चाहिए तो बच्चों हम मुद मतजाद देखेंगे रोज़ यानी ये मुतजाद अल्फाज ये अल्फाज लफ्ज हैं उसके मुजाद आपको रुबायात से ही तलाश करने हैं रोज रात दरो गोई जब बद अमल हाँ ये तमाम अल्फाज के अजदाद आपको रुबायात से ही मिलेंगे तलाश कीजिए सही शब रात दिन दरो गोई रास्त गोई जब अब बदअमल हुसनी अमल अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों वाहिद जमा है दौर उसकी जमा अदवार अमल आमाल गर्दिश गर्दिशें मतलब की जमा है मतदिब पयाम, पयामात। इसी तरह अब अगली घर का काम है देखो आपको घर पर काम करना है दोनों रुबायात को जुबानी याद कीजिए और तरहनुम से पढ़िए दोनों रुबायात के खाफिये और रदीफ की फ़हरिस्त तैयार कीजिए रुबायात के सवालत के जवाब लिख कर अपने मौलिन या मौलमा से जांच करवाएँ रुबाई की तारीफ याद कीजिए रुबायात के सवाल के जवाब याद करें अच्छा बच्चों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है बहुत बहुत शुक्रिया